और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है तो वेलकम बैक हो गया आपका एक और न्यू ब्रांड न्यू गेम प्ले सीरीज़ में तो गाइज़ जैसे कि हम फिर से खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक तो गाइज़ पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ मेरे को मतलब सॉरी है आपसे कि मैं मतलब काफ़ी टाइम के बाद वीडियोज़ डाल रहा हूँ तो गाइज़ दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि मेरी थोड़ी सी हेल्थ अच्छी नहीं थी बेटर नहीं थी हेल्थ मेरी तो जिस वजह से मैं मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकता था वीडियोज़ तो ऐसा मतलब मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो जब रिकॉर्ड करी थी उसके बाद मैंने नहीं खेला माइनक्राफ्ट तो ऑलमोस्ट वन टू टू वीक्स हो चुके हैं इस बात को तो मतलब वन वीक हो चुके हैं ऑलमोस्ट आई डोंट नो गाइज बट ऐसा है कि गाइज अभी मतलब थोड़ी सी हेल्थ मेरी बेटर थी आज तो मैंने फाइनली रिकॉर्ड करी वीडियो तो देन मैं आज एडिट कर रहा हूँ तो गाइज़ उसके लिए मेरे को माफ़ी है तो अभी के लिए गाइज मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है गेम्स में वो भी मैं आपको बता देता हूँ पहले गाइज तो गाइज पहले सभी मेरे को कमेंट करके बताना सभी बढ़िया ना तो अभी जो गाइज़ मैंने चेंजिंग किया है वो ये करी है कि आ, मैंने इसमें जावा एडिशन डाला हुआ है ठीक है गाइज़ तो जावा एडिशन मतलब एक मैंने फाइल यूज़ करी है तो वो भी मैं गाइज़ आपको बताऊंगा वो कैसे है तो अभी के लिए गाइज़ मैंने थोड़ी देर मतलब यहाँ पे माइनिंग करी थी अपने आ, कोबल स्टोन जनरेटर फार्म में तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब क्वांटिटी में स्टोन्स मिल चुके हैं तो अभी के लिए तो हम यहाँ से जितना है कि ले लेते हैं क्योंकि अब कि मतलब हमें वो करना है अपना एक्सपी फार्म बिल्ड करेंगे हम इस वीडियो में तो गाइज़ ये थोड़ा सा मतलब आगे पीछे बच जाती है मेरी फिकैक्स बट कोई दिक्कत नहीं है तो ऑलमोस्ट अभी सब बढ़िया ही चल रहा है एक बार मैं आपको भी अपना जावा एडिशन दिखा देता हूँ तो, तो गाइज बिल्कुल डिट्टो आप देख सकते हो जावा एडिशन की तरह भी गेम मेरी ओपन ओपन होने वाली है तो कुछ मतलब इसी तरह ओपन होती है वो तो अभी के लिए तो मैंने फाइल मतलब डाल दिया तो गाइज़ अगर किसी को चाहिए रहेगा ये वाला लिंक तो मेरे को बता दीजिएगा तो मैं मतलब डाल दूंगा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो चलो गाइज अभी मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपने दोस्त को भी बुला लेंगे इसको भी बोलेंगे कि भाई आ जा तू तो अगर ये आ जाएगा जल्दी तो फिर तो ईजी हो जाएगा अगर नहीं आएगा तो फिर तो खुद ही मतलब करना पड़ेगा तो अभी के लिए मैं गाइस थोड़े से माइंड वाइन भी कर लेता हूँ और जो जो मेरे को सामान चाहिए अपने फार्म बनाने के लिए वो सारा इकट्ठा कर लेता हूँ ठीक है गाइस तो मुझे दो मिनट देना दो मिनट में मैं सारा रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ और एक और दिक्कत है इसमें इस मतलब फाइल में क्या है कि अगर मैं स्वाट से कुछ भी ओपन करता हूँ तो वो मतलब काफ़ी लंबा हिट मारता है तो जिससे मतलब आगे पीछे जो भी होता है उसको भी पड़ जाती है तो वो सब जिसमें थोड़े सा मतलब दिक्कत वाली चीज़ें हैं बाकी तो मतलब ऑल गुड है तो और मैं चलो रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ दैन आपको मिलता हूँ मैं दो मिनट में गाइस तो ऑल राइट गाइज जितना मेरे को स्लैब्स मैंने चाहिए थे वो उतने स्लैब्स भी बना लिए और मैंने यहाँ पे कोबल बना ना लिया और देख सकते हो गाइज़ जैसे ही ये बुरलिस्ट क्लॉ आ गया यहाँ पे वैसे ही सारी अचीवमेंट्स आने शुरू हो गई है तो मतलब अभी के लिए क्या है कि हम जो जो अचीवमेंट्स करेंगे वो सब आने वाली है यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारा ही जावा एडिशन हो चुका है क्योंकि अब मैंने जितना भी यहाँ पे काम करा है वो नहीं शो करेगा वापिस से मतलब उसके लिए अचीवमेंट री है तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो उसको मैंने भेज दिया कि भाई तू तू तूर कर दे शुरू काबल्स को माइन करना क्योंकि यहाँ पे काबल्स बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं तो चलो इसको मैं बोल देता हूँ आगे मतलब इसके देख रहे हो नशे इसके नशे देख लो मतलब आया इसने मेरे को हिट दे दिया अब देना अब इसके ड्रामे शुरू हो जाएंगे भाई क्या टोपी बाज आती है यार मतलब तो इसको देनी पड़ती है एक एक बस अब शांत हो जाएगा अब अब इसने मतलब लिटरली अब तो इसने बोलना है कुछ नहीं है कि मेरे को कुछ मत करो मतलब सीरियसली गाइस मतलब इसको बीच बीच में ना टॉनिक देना पड़ता है हेड शॉर्ट देना पड़ता है तभी जाके थोड़ा ना मतलब सही चलता है चलो कि है मजाक मजूक हो गया तो अभी चलता हूँ मैं सीधा अपनी बिल्ड की तरफ क्या हम कहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं गाइस तो ऑल राइट गाइज़ ऑलमोस्ट मैं जो जो मेरे को रिसोर्सेज यहाँ पे लगने वाले थे मैं वो ले आया हूँ तो यहाँ पे अभी हमने डबल चेस्ट लगा लिया इसके साथ हम लगाएंगे यहाँ पे होपर्स तो हॉपर भी मैं बना के ले आया था चार एक दो तीन एंड चार गाइज तो ऑलमोस्ट मतलब आपको ये मतलब एक्सपी फार्म के बारे में गाइज ऑलमोस्ट सभी को पता है क्योंकि इतना मतलब सिंपल फार्म है ये इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता बट चलो अगर आप फिर भी हो मेरे साथ तब तक जुड़े रहते हो तो इसको मतलब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है बट चलो इसको मैं यार ये मेरे को ना देखना पड़ेगा गाइज मतलब कैसे इसको उतना तोड़ना है क्योंकि ये अलग ही दिक्कत दे देता है कभी कभी मतलब सही हो जाता है और कभी कभी नहीं होता ये तो वो देखना पड़ेगा गाइज मेरे को तो अभी के लिए चलो हमने एक ब्लॉक की जगह बना दी और यहाँ पे हम लगा देंगे स्लैब्स तो स्लैब गाइज मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि ये मतलब मेरे नोन में रहेंगे कि हाँ ये वाले चार ब्लॉक हमें बंद रखने हैं देन इसके आगे से हमें एक्सटेंड करना है तो फिलहाल मैं इसको भी एक बेरी कवर कर लेता हूँ पूरा अच्छे से तो ऑल डन कर लेते हैं इसको यहाँ से ये भी हो गया कवर तो ये अच्छा उसके साथ साथ वो वहाँ पे लगा हुआ ब्लॉक्स को माइन करने चलो अच्छी बात है हमारा यहाँ साथ साथ में लेवल भी मतलब हो ही बढ़ी रहा है तो ऐसे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है ना तो चलो अभी के लिए मेरा इतना ऑल डन हो चुका है तो फ़िलहाल अभी के लिए मैं एक स्लैब से यहाँ पर और एक्सटेंड कर लेता हूँ उसके आगे मैं सारा काम जो करने वाला हूँ काबल से ही करने वाला हूँ तो अभी के लिए मैं ये वाले स्लैब्स तोड़ देता हूँ तो गाइज़ ऑल डन हो चुका है इतना तो हो चुका है मतलब जो हमारे चार ब्लॉक्स यहाँ पे ख़त्म होने मतलब जहाँ से मॉब्स ने आना है तो वो मतलब सही है तो चलो एक बार मैं काबल से ऊपर चला लेता हूँ मतलब गलत लग जाते हैं यार चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो फिलहाल अभी के लिए तो ठीक है तो ओके तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है वो लगाने पड़ेंगे एक स्लैब लगाना पड़ेगा तो एक बार मैं स्लैब लगा के भी देख लेता हूँ ओके तो ठीक है गाइज अभी स्लैब्स भी लगा लेते हैं तो एक वाले को तोड़ के देन यहाँ से अब मैं कोबल शुरू कर देता हूँ तो एक बार एक बार मैं ये लेयर कंप्लीट कर लूँ गाइज मेरे को एक मिनट दो ओके तो गाइज़ अभी के लिए मैंने ना यहाँ पे क्या करा है कि ये लेयर कंप्लीट कर दिया है तो अभी मैं सिंपल काउंट करते हुए ऊपर जाने वाला हूँ तो आई थिंक इसको मैं ट्वेंटी टू या ट्वेंटी थ्री की हाइट देने वाला हूँ बाकी गाइज आप काउंट करते हैं ना तो फिलहाल गाइज जैसे कि ऑलमोस्ट आपको पता है कि एच पी फार्म हमारा किस तरह बनता है तो मतलब इसमें मेरे को आपको कोई ज़्यादा मतलब ऐसा ब्रीफ बताने की कोई जरूरत नहीं है तो मैं गाइज पहले मैं सीधा ऊपर चला गया था फिर मेरे को याद आया कि मतलब क्यों ना इसको मतलब साथ साथ में लेते हुए चलते हैं तो फिलहाल मैं देखता हूँ कि मेरे पास वाटर बकेट भी नहीं है अभी तो वो भी देख लेते हैं वाटर बकेट का भी एक बारी मैं सोर्स कर लेता हूँ और साथ साथ में पहले मैं यहाँ पर भी ब्लॉक साथ में लगाते हुए चलता हूँ तो देख लेते हैं क्या ही दिक्कत जा रही है गाइस तो अगर वाटर बकेट की जरूरत पड़ेगी तो अपना बंदा कब काम आएगा इसको बुला लेंगे या आ जाएगा वाटर बकेट देने के लिए तो चलो गाइज मजाक अपनी जगह पे रहता है तो अभी के लिए मैं साथ साथ में इनको एरिया को भी एक्सटेंड करते हुए वॉल को कंप्लीट कर लेता हूँ तो चलो गाइज मैं इसको फटाफट करके मिलता हूँ कुछ दो मिनट दूँ तो गाइज इतना मैंने कर दिया और इस बंदे को मैं कब से आवाज़ें मार रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ कि भाई आ जा मेरे को वाटर बकेट दे जा मेरे को वाटर बकेट दे जा बंदा मेरे को आगे से बोल रहा है आप जो करना करो जैसे आना आओ बट वाटर बकेट मैं नहीं दे सकता मतलब मैं बिजी हूँ मतलब बंदा बिजी है ये मेरे को नहीं देने आएगा चलो अब मैं मर गया हूँ तो यहाँ से सबसे पहले मैं वाटर बकेट देख लेता तो गाइज किसमें है तो ये मेरी वाटर बकेट बढ़ी है तो चलो गाइज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अब सीधा चलते हैं अपने बिल्ड की तरफ तो जहाँ पर मैं अपना बिल्ड कर रहा था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर नहीं आ सकता तो चलो हम आ गए हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है तो वैसे भी मेरे को आना ही था तो चलो मैं फटाफट अपना सारा सामान उठा लेता हूं तो मेरा कुछ ज़्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है बाकी एक्च पी एक्स भी तो चलो थोड़ी बहुत ही गई है बाकी कोई दिक्कत नहीं है एक्सपी फार्म हम बना ही रहे हैं तो क्यों ही इसीलिए तो बना रहे हैं गाइस तो चलो यहाँ पे पता नहीं क्यों ही ग्लिच कर रहा था बट चलो एक बार मैं सारे रिसोर्सेज वगैरह डाल लेता हूँ तो देन उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको सीधा वापस ऊपर ठीक है गाइज दो मिनट दो तो, तो गाइज़ एक बार मेरे को वापस जाना पड़ गया था उसके पास तो वहाँ से मैं काबल्स वगैरह ले आया था तो वो कह रहा था एक बार काबल्स लेते हुए ही जाओ तो देन मैं काबल्स भी ले आया अब साथ, -साथ में मैं क्या करने वाला गाइज जो मतलब पहले मैं दो लेयर्स उठा रहा था अब जितनी मैं साथ साथ में उठा सकता हूँ गाइज़ उतनी लेयर्स को मैं साथ साथ में ही उठा लूँगा क्योंकि बार बार मैं ऐसा नहीं कर सकता दिक्कत अब पड़ जाएगी ना तो चलो अभी के लिए तो साथ साथ में तीन ब्लॉग ये लगाते हैं साथ में तीन ब्लॉग ये और यहाँ से तीन यहाँ से तीन यहाँ से तीन यहाँ से भी तीन और यहाँ से भी एक एक और उठा लूँगा तीन तो चलो गाइस ऐसे करके वो हम मतलब ऊपर टॉवर अप कर लेते हैं इसको मैं थोड़ा सा फटाफट -फट करने वाला हूँ तो एक मिनट में आपको फटाफट करके दिखा दूँगा गाइस दो मिनट दो तो गाइस अभी मैं फटाफट -फट करने वाला हूँ ये थोड़ा सा मैंने स्पीड में कर दिया हुआ है तो चलो अब मतलब आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा तो मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है तो अभी के लिए मैं ये रिसोर्सेज वगैरह भी चलो मेरे पास जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे तो गाइज मतलब चलो दो बंदे हैं ना तो मतलब ईजी हो जाता है कि एक बंदा रिसोर्स कलेक्ट कर रहा है एक बंदा बिल्ड कर रहा है तो मतलब थोड़ा सा ईजी हो जाता है तो गाइज़ मेरे को भी एक बताना कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपकी भी ऐसे मतलब हेल्प करता है तो अगर करता है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना तो गाइज अभी मैं पहले सोच रहा था इतना इसको एक्सटेंड करने के लिए बट मैं और नहीं कर रहा हूँ तो चलो एक बारी अभी इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से जैसे कि गाइज आपको पता ही है सिंपल ही है तो इसको मतलब सात ब्लॉक एक्सटेंड करना है तो ओके तो मैं इसके लिए पानी पहले पानी लगा रहा था फिर मैंने छोड़ दिया मैंने कहा चल छोड़ यार क्या ही दिक्कत है ना तो चलो गाइज़ अभी के लिए मैंने ये थोड़ा सा गलत कर दिया बट अभी के लिए मैं चलो काउंट करके उसको आगे कर लेता हूँ तो गाइज़ मतलब ऊपर से थोड़ा शानदार ही लग रहा है मतलब मेरा फ्लोटिंग आईलैंड तो अभी थोड़ा सा इसको हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे कि कितना इसको हम अच्छा बना सकते हैं ना तो मतलब धीरे धीरे ही होगा तो दो ये तीन ये चार एक मिनट इसके लिए पानी फेंक देता हूँ पाँच छः एंड सात ओके तो यही चीज़ मैं यहाँ से करने वाला हूँ तो ये एक सेकंड गलत हो गया तो चलो ये हो गया और इसके लिए पानी उतार दिया तो फिलहाल ये मेरे लिए को देने आया था कॉबल स्टोन मतलब गाइस लिटरली ये बंदा मेरे लिए देख रहे हो गाइस एक वाटर बकेट ले आया था कुछ ब्लॉक्स ले आया है तो मतलब बंदा तो काम का है मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा काम का नहीं बंदा काम का है ये बट कभी कभी ना ये मानता नहीं है बातें तो चलो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे को इसको देखना पड़ेगा नीचे चला गया क्या ये यार ये प्रोफेशनल है यार एम में ना मतलब वाटर बकेट करने में बहुत ईजी मारता है ये बट कैसे करता है इतना मेरे को नहीं समझ आती तो ओके जैसे कि मैं ऊपर हूँ यार सोच को सोने की पड़ी है भाई चलो इसके भी लग नशे हैं बट चलो अभी के लिए मैं क्या करने वाला इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ यहाँ से ये यह, यहाँ से ये यह क्या हुआ भाई चलो यहाँ से मैं एक ये भी निकाल लूँगा ओ भाई डायमंड वायमंड चल रहे हैं भाई नीचे तो कतई बट चलो इसको मैं गलत जो कर दिया था इसको भी मैं यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ तो इसको मैं यहाँ से देख लेते हैं तो जहाँ पे गलत बना था एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से पानी डाल के तो ओके मतलब तो जहाँ तक पानी जाना चाहिए था वहाँ पे पानी जा रहा है तो दैट मीन्स ये सही बन चुका है तो अभी के लिए मैं गई इसको बंद करने वाला हूँ तो इसको मैं अभी क्या करना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा नहीं ना मैं बिल्ड कर रहा हूँ और मैं साथ ही में नीचे गिर गया समझ सकते हो ना तुम तो वो चीज़ें मैं नहीं चाहता तो अभी मैं गई फटाफट यही चारों चीजें कंप्लीट करके आपको मिलता हूँ मैं दो मिनट दो मुझे गायस ये सारी लेयर मैं कंप्लीट करके मिलता हूँ आपको दो मिनट में तो फिलहाल गाइज मैंने काफ़ी ज्यादा एरिया को एक्सटेंड कर चुका हूँ मतलब साइड में मैंने बिल्डिंग ब्लॉक्स भी लगा दिए हैं तो फिलहाल अभी मेरे को नीचे जाना है तो मेरे को देखना पड़ेगा मैं कहाँ से जा सकता हूँ नीचे तो ओके तो फिलहाल भाई मतलब एक सिर्फ एक स्लैब ही भाई साहब कहते ही नहीं भाई चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इसको मैं एक टपली दे ही देता हूँ छोटी सी तो ये वाले ब्लॉग्स में यहाँ से तोड़ने वाला हूँ और ये थोड़ा सी मेरी तेज चल जाती है तो फिलहाल अभी के लिए मतलब ऑल डन हो चुका है तो इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ तो कि जिससे ये है कि अगर मॉब वॉब आएंगे तो मैं ईजी मार पाऊँगा तो ठीक है अभी के लिए तो मेरा एक्सपी पी फॉर्म रेडी बन गया हुआ है और ऊपर से ये थोड़ी सी ये लेयर भी कम्प्लीट करनी है मुझे और प्लस ऊपर से वाली लेयर भी कम्प्लीट करनी है तो फ़िलहाल अभी क्या करने वाला हूँ मैं यार राजा भाई पानी क्यों नशे कर रहा है तो अभी क्या करने वाला हूँ गाइज़ मैं साथ साथ में इसलियेयर को कम्प्लीट कर देता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मैं ऊपर से रेडी कर दूँ तो ये वाला रह ही ना जाए तो ओके विंडिकेटर तो एक बार मैं नीचे चल के देख लेता हूँ गाइज किसी ने कुछ नहीं देखा अगर तुमने देखा है तो भाई स्किप करके देखा है तुमने ठीक है तुम यार स्किप करके देख रहे हो यार ऐसे मत करो ना यार गाइज तो चलो गाइज मैं एक बार ये ठीक है यार मेरे को ये वाली नहीं आता भाई करना कि वाटर बकेट से कैसे क्लाइम ये अपना सॉरी क्लाइम होता है यार गाइज मेरे को नहीं आता सही से करना तो चलो इसके लिए तो मैं अभी मतलब नहीं हो पाता तो चलो गाइज अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ओके तो फिलहाल अभी मैंने ऑल डन कर दिया है तो यहाँ से इसको 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 देन खत्म तो फिलहाल ऑल डन हो चुका है गाइज मतलब आप देख सकते हो मैंने हाँ इस चीज़ को मत देखना बाकी आप देख सकते हो कि मैंने ऑल डन कर चुका हूँ तो फिलहाल के लिए ये जो थोड़े से ही रहते हैं इसको भी कंप्लीट कर देंगे तो फिलहाल गाइज़ अगर इसको इतना ही रखना है तो मैं इतना भी रख सकता हूँ बट अगर चेंज करना है तो मैं एक काम करता हूँ ना इसको मैं पूरा फिल कर ही देता हूँ तो जितना फिल होएगा उतना एरिया मेरे पास ही रहेगा ज़्यादा तो फिलहाल गाइज़ अभी के लिए तो मेरे पास कोबल जितने थे वो ख़त्म हो चुके हैं तो अभी मैं यहाँ पर अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लिया तो फ़िलहाल अभी के लिए मैं जो ये जो करने वाला हूँ ये साथ मैं कम्प्लीट कर ही लेता हूँ क्योंकि अगर ये गलत दिक्कत देगा तो बाद में पता चला कि बिल्ड मेरा खराब हुआ है तो फिलहाल एक बार टेस्टिंग भी हो जाएगी तो फिलहाल ओके तो यहाँ से मैं ये वाटर बकेट फिल कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पे चाहिए दो ब्लॉक्स तो ओके गाइज अभी के लिए मैंने गाइज वहाँ पे कुछ नहीं करा है तो सिंपल मैंने पानी लगा के नीचे आ गया हूँ तो अभी के लिए मैं यहाँ से और बिल्डिंग ब्लॉक्स लेकर जाने वाला हूँ तो मैं फिलहाल उससे अपना और पॉबल ले लेता हूँ तो देन चलते हैं हम सीधा बिल्ड की तरफ तो चलो गाइज एक बार मैं चलता हूँ सीधा इसके पास तो फिलहाल इसको एक प्यारी सी जप्पी दे देता हूँ <laughs> ये एक जिसको टपली देनी ज़रूरी है तो ये काम नहीं करता चलो फिलहाल बंदा काम का यार अभी मतलब इतने मेरे लिए इसने माइंड कर दिया है पहले भी काफ़ी स्टैक्स लेकर आया था ये तो अभी के लिए तो मतलब अच्छी बात है तो चलो अगर इतने से मेरा अभी काम बन जाएगा तो ठीक है नहीं तो फिर जितनी मेरे पास स्लैब्स हैं तो मैं स्लैब्स को भी मतलब यूज़ कर दूँगा डबल डबल करके उसको भी यूज़ कर दूँगा तो चलो गाइज अभी सीधा बिल्ड की तरफ चलते हैं फटाफट माइन वाइन करता ना जब तो ये देखता नहीं है कि यहाँ कहाँ पे मतलब क्या गड़बड़ कर रहा है तो फिलहाल अभी के लिए मैं तो खुद ही करने वाला था यहाँ पे तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे ए एफ के करने वाला हूँ तो अभी ये कह रहा है कि मैं आ गया हूँ आप जाओ तो चलो ये देख मतलब क्या ही बंदा है मतलब क्रिटिकल खा के मानेगा ओ ओ ओ ओ अभी मैं गाइज लिटरली मैं कह रहा हूँ गिरने वाला था मतलब क्या ही बचाऊ मैं बट इसको मार खानी है भाई मतलब इसको पंगे करने हैं इसको जब तक एक पड़ेगी नहीं ना तो मतलब ये सुधरेगा नहीं बट चलो गाइज इसको, इसको इसका सामान भी दे देते हैं तो फिलहाल देखो गाइज मतलब बेशर्मी की भी हद होती है मतलब बंदा एक बार मर गया ना तो मतलब इसको शर्म नहीं है इसको मार खानी खानी है तो इसको मतलब टपली देनी पड़ती है बार बार बीच में ना चाहे पानी देना पड़ता है तो चलो गाइज मजाक अपनी जगह रहा ये हम छोटा मोटा बीच में कर लेते हैं तो अभी के लिए मतलब वो कह रहा है नहीं मारो मुझे तो इसको मैं भी सामान दे देता हूँ उसका गाइज फटाफट तो अभी के लिए मैंने गाया इसका सारा सामान दे दिया और जो मेरे पास भी कूड़ा कूड़ के पड़ा था तो वो भी मैं इसी को मरने वाला हूँ कि भाई तू तो अपना कूड़ा ले चल तो चलो अभी के लिए मैं गए मतलब देख रहे हो इस बंदे को इसको अभी भी मेरे को मारना है इसको अभी भी मारना है तो गए अभी के लिए मैं जा रहा हूँ तो फिलहाल ये बीस की स्वाट मेरे पास है तो ठीक है ये ले भाई तू तो अपनी एक्स ले ले भाग जा यहाँ से भाग जा तो फिलहाल अभी के लिए गाइज मैंने इसकी शॉड सॉरी एक्स दे दिया ये मेरे, मेरे मगर पड़ा था कि मेरे को स्वाड दे दो तो चलो अभी के लिए मैं स्वाड नहीं दे रहा यार गाइज ये चीज़ इसी की बात कर रहा था मैं देखा दो बारी हिट पड़ गया उनको मैं नॉर्मली अगर किसी चीज़ को ओपन करूँगा तो फिलहाल ये ख़त्म है बंदा पेटी की मतलब ये सिर्फ स्वाड के साथ ऐसा हो रहा है मतलब हर एक चीज़ के साथ नहीं हो रहा चलो अगर ये मेरे को समझ आएगी ये कैसे हो रहा है तो वो मैं समझ लूँगा इसका मैकेनिज़्म बट अभी के लिए तो चलो उसको मैंने लगा दिया वापस काम पे वो वहाँ पे कोबल वोबल ओके okay. तो मतलब इसका सामान यहाँ पे भी पड़ा है और ये बंदे को सामान का ही नहीं पता बट चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अभी के लिए मतलब टेक ब्रेड तो ये सारी अचीवमेंट्स आ रही हैं काउ ट्रिपर ये सब मतलब चलो ठीक है अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है सब चीज़ों में तो अभी के लिए चलो मैं कहाँ गया ये इसको मैंने और भी ब्लेजर्स दिए थे एक मिनट इसके अंदर ओके 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 तो उसने यहाँ पे बिठा के रखा हुआ विलेजर तो एक से ये स्ट्रीव दे रहा है तो मतलब अभी मेरे को ऊपर वाला ही तोड़ना पड़ेगा भाई नशे हैं भाई इस गेम के तो फिलहाल इसके चक्करों में मेरे को एक ब्लॉक और एक्स्ट्रा लगाना पड़ा भाई सिर्फ एक ये लौता एक बंदा है जो मतलब गेम से बाहर है बाकी नहीं तो सभी अंदर है सब के सब अंदर है अब रैबिट स्ट्र्यू से क्या होता है मुझे नहीं पता बट चलो अभी के लिए मुझे नहीं पता तो नहीं पता गाइस तो फिलहाल अभी जो गंदव है मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ तो फिलहाल अभी मैं निकलता हूँ अपनी बिल्ड की तरफ तो एक बार इसको मैं सोचता हूँ टपली मार दूँ बट अभी के लिए इसने काफ़ी अच्छी मेहनत की है तो अभी इसको टपली नहीं मारेंगे गाइस बंदा हार्ड वर्किंग है तो फिलहाल अभी के लिए मैंने यहाँ से कॉबल वग़ैरह भी ले लिया तो एक बार दिन कर लूँगा जिसको भी आवाज़ मार दी है मैंने कि भाई आके सो जा तो अभी ये चलो ये भी आ रहा है तो गाइस एक बारी दिन हो जाएगी तो फिलहाल ओके तो एक बारी दिन हो चुकी है तो अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा अपने बिल्ड की तरफ तो फिलहाल गाइज अभी इसको एरिया को भी एक्सटेंड करना है मेरे को प्लान बताओ आप मतलब थोड़ा सा सब बताओ कि क्या क्या मतलब चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए तो वो सब गायज आप मेरे को बताना तो फिलहाल भी, भी मैं सीधा आपको मिलता हूँ ऊपर तो गैज़ यहाँ पे क्रीपर बहुत सारे स्पॉन हो चुके हैं तो फिलहाल दो मिनट दो मुझे आप दो मिनट में मैं इसको सफाया करके मिलता हूँ तो मैं अभी तो ऊपर आ गया हूँ बट एक बार इनको देखना पड़ेगा गाइज मतलब मेरे को लिटरली डर लग रहा है मतलब गाइज मतलब एक किस्म का देख रहे हो मैं इधर जा रहा हूँ वो वहाँ से आ रहे हैं मैं यहाँ से आ रहा हूँ वो वहाँ से आ रहे हैं बट फटा एक ओके मतलब अगर पानी में फटता है तो मतलब इतना ज़्यादा मेरे को मतलब इतना ज़्यादा क्या नुकसान ही नहीं हुआ कोई मेरा बट चलो अभी गाइज़ जो मेरा मतलब ये थोड़ा सा रह गया था बिल्ड जो रह गया था तो इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ तो क्योंकि अभी के लिए तो चलो कोबल भी आ गया मेरे पास तो फिलहाल ये यहाँ से ख़त्म और ये यहाँ से ख़त्म दैट्स इट यही सेम चीज़ मैं सारी जगह रिपीट करने वाला हूँ तो दो मुझे दो मिनट पता गाइज़ आपको दो मिनट में मेरा मतलब कितनी जल्दी काम करता हूँ गाइज तो ये दो मिनट दे दो ओके अभी जंप बच गया था अभी गिर जाता हूँ मैं तो फिलहाल इसको मैं कंप्लीट करके आपको मिलता हूँ फटाफट ठीक है गाइज दो मिनट दे दो मेरे को मेरे भाई हो तो फिलहाल गाइज ये अभी इसको भी मैंने ऊपर बुला लिया था इसको मैंने इसलिए बुलाया था कि भाई तू एक बार ऊपर आ जाए मेरे को ट्रैप डोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फिलहाल अभी के लिए मैंने सारे को मतलब स्लैब्स में इसको बोला था कन्वर्ट करके ले आई हो तो फिलहाल अभी मैं ट्रैप डोर लगा रहा हूँ तो इसको मैंने बोला है कि तू भाई एक काम कर ये पकड़ और ये स्लैब्स मतलब स्लैब्स और कोबल लगाने वाला काम कर तो बंदा मेरे को करता कि मैं करूँ या आप ही करो तो अभी के लिए मैंने इसको बोला भाई तू ही कर दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो बंदा मतलब अच्छा है कि साथ में वो लेकर आया था क्राफ्टिंग टेबल लेकर आ गया था तो फिर अभी वो मतलब क्राफ्टिंग टेबल से सभी कोबल्स को कन्वर्ट कर देगा अपने स्लैब्स में तो गाइज़ अभी के लिए तो मतलब ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है डन मतलब ये दो लेयर्स कंप्लीट हैं ये दो लेयर्स तो फिलहाल उसको मैंने उस पर काम पे लगा दिया और इसको मैंने अपना ये वाला काम पे लगा दिया तो चलो इसको मैं जल्दी से डन करके मिलता हूँ आपको नीचे गाइज़ फटाफट ठीक है गाइज तो आपको पता है क्या करना है गई सिर्फ दो मिनट लगते हैं आपको गाइज़ सिर्फ दो मिनट वेट करना है आपने मैं फटाफट यूँ गया और यूँ आया तो मेरे भाइयों सारा होल्स चुका है अब यहाँ से डन तो एक बारी मैं याद से ये चीज़ तोड़ देता हूँ क्योंकि आपको याद है जब मैंने अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में ये चीज़ बनाई थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने मतलब वहाँ पे वो नहीं लगाया था क्या बोलते हैं मतलब ब्लॉग्स नहीं तोड़े थे तो मतलब मैं काफ़ी टाइम तक वेट कर रहा था कि भाई क्या दिक्कत हो गई है क्यों मेरा सर्वा मतलब वर्क नहीं कर रहा तो इसको भी एक बारी मैं बोल देता हूँ तू भी ऊपर आ जा तो ये वाले स्लैब्स में जो है मेरे पास तो मैं ये लगा देता हूँ मेरे पास अभी सिक्सटी फोर स्टैक्स के अराउंड पड़ा है काबल तो चलो एक बारी इससे मैंने स्लब्स उठा लिए भाई तो उसके पास पड़े थे स्लैब्स तो मैं काबल लगाने वाला था करता मेरे पास स्लैब्स पड़े हैं तो फिलहाल अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे कर देता तो हूँ ख़त्म और ये वाला पानी मैं यहाँ पे लगाने लगा था बट अभी के लिए पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ वो नीचे से कर देगा मैं ऊपर से कंप्लीट कर दूँगा तो चलो भाई अभी के लिए ये भी जल्दी जल्दी डन होने वाला है तो मतलब अभी के लिए मेरे को काफ़ी मतलब मज़ा आया इस बिल्ड में बट हाँ ये चीज़ है कि थोड़ा सा मतलब मेरे लिए ईजी हो गया था मतलब रिसोर्सेज का कि जब भी ये मतलब इसने मेरे को मतलब दिया तो फिलहाल यह मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक बारी <laughs> मैं अभी स्कीम कर रहा था इसके साथ बट तो मैंने बोला यार चल आ जाए यार तो अभी इसको साथ स्कीम कर रहा था तो उसने मेरे को बोला कि एक बारी भाई नीचे आ जाओ ट्रैप डोर्स किसने ओपन करने हैं तो मैंने कहा यार दिक्कत होगी यार भाई तो करता है यार चल कोई दिक्कत नहीं है अभी कर दिया तो कर दिया तो भाई मेरे साथ ग्लीच हो चुका है ग्लीच मतलब लिटरली भाई मतलब मैं नीचे गिर गया तो मतलब ठीक है भाई मतलब ये ठीक है इसको मैंने बोला तू तो एक बार आ जा भाई तो चलो ये आ गया तो अभी के लिए मैं ऊपर चल लेता हूँ और ये भी ऊपर चल रहा है तो चलो ऑल डन हो गया गाइज़ और ये फिलहाल एक लास्ट कोबल और इसको मैं तोड़ देता हूँ और ये वाला एक यहाँ पर लगा के ऑल डन तो फ़िलहाल गाइज़ अभी के लिए ऑल डन मैंने कर चुका हूँ तो अब बस वेट करना है कि कितनी जल्दी कितने मॉब्स आने वाले और हमारी एक्सपी कितनी जल्दी बढ़ने वाली है क्योंकि अब आगे जाके विलेजर्स का भी देखना पड़ेगा एंड प्लस उसका भी देखना पड़ेगा तो फिलहाल गाइज हमारा सारा ऑल डन हो चुका है काम जितना भी हमें यहाँ पे करना था तो अभी हम पानी के भरोसे आराम आराम से चल रहे हैं तो चलो तो फिलहाल अभी के लिए मतलब ऑल डन हो चुका है गाइज मतलब मज़ा आ गया है बिल्ड को बनाने में तो गाइज अगर आपको मज़ा आया तो जरूर बताना बाकी एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ तो मेरे पास सिक्सटी फोर स्टैक्स हैं तो ये मैंने फेंके तो ये कि... मतलब मैं चेक कर रहा था कि मतलब सब चल रहा है कि नहीं और ये देखो बंदा मतलब यहाँ पर कूड़ा कर सब फेंक रहा है तो चलो गैज आज की वील्ड मतलब तो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ होप्स को आपको मज़ा आया होगा अगर मज़ा आया होगा तो भाई लाइक करके जाना लाइक के साथ साथ कमेंट करके जाना अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना मेरे भाई और मेरे को गैस थोड़ा सा आइडियाज़ देते रहना कि इस बिल्ड में हमें क्या करना चाहिए कैसे कैसे करना चाहिए तो गैस जैसे आगे आप मेरे को बताओगे तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो फिलहाल अभी मैं क्या करने वाला हूँ फिलहाल तो इसको भी कम्प्लीट कर दूँगा और आगे वाले में देखेंगे हम कैसे क्या करना है न्यू वीडियो में क्या करना है कैसे करना है तो गाइज़ आई होप आपको मज़ा आया अगर हो, आया होगा तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके बताना थोड़ा सा मैं इसका भी देखूँगा कि इसको कैसे अभी अच्छे से कर सकते हैं तो फिलहाल गाइज़ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करने वाला हूँ तो चलो गाइज़ मिलता हूँ मैं आपको अच्छी सी वीडियो के साथ बाय बाय टेक केयर एंड पीस आउट गाइज़